जमुआ के चितरडी में बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जयप्रकाश सिंह के द्वारा शनिवार को 100 पौधे लगाए गए, जिसमें आम, महागुनी, कटहल, शीशम इत्यादि पौधे शामिल हैं। बताते चले कि इस आम बागवानी से लगभग 200 पौधे लगाने का लक्ष्य है, लेकिन आज लगभग 100 पौधे लगाए गए और शेष 100 पौधे अगले रविवार को लगाए जाएंगे। इस मौके पर समाज सेवी श्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता है। पेड़ है तो मानव है, मानव जीवन स्वस्थ और खुशहाल रखने के लिए अगल बगल में पेड़ पौधा होना अनिवार्य है। मौके पर उप मुखिया प्रतिनिधि जुमदली मियाँ, अशोक हाजरा, मिथिलेश सिंह, अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, मोहम्मद सरताज प्रवेज, प्रभात कुमार सिन्हा, टुनटुन सिंह इत्यादि लोग मौजूद थे। और पर्यावरण की रक्षा जब तक हम नियमित रूप से ढंग से नहीं करेंगे, हमारे प्रदेश और देश में हरियाली रौनक नहीं आएगी। उपरांत मेरे मन में एक विचार आया था कि अपने घर के आसपास जो मेरा ज़मीन है, जो बंजर पड़ा हुआ है, सभी में वृक्षारोपण का काम किया जाएगा। उसमें फलदार वृक्ष भी रहेंगे, इमारती वृक्ष भी रहेंगे, उससे हमारे गांव के लोगों को भी कुछ लाभ होगा। उसी के तहत मैंने आज अपने इस सरकार द्वारा उनके आदेशालोक में जो बागवानी निर्माण मैंने किया है, उसमें उप मुखिया जी के साथ और हमारे कर्मठ समाज सेवी अशोक हजरा जी, अखिलेश्वर प्रसाद आदि लोग ने इस वृक्षारोपण कार्य में बहुत सहयोग दिया, और इनके सौजन्य से ही, इनकी प्रेरणा से ही मैंने इस काम को यहाँ शुरुआत किया है। अभी तक मुझे प्रखंड कार्यालय से वृक्ष का पौधा प्राप्त नहीं हुआ है, ये वन विभाग से मैंने क्रय करके लाया हूँ और आज उसको लगाने का काम शुरू किया हूँ। एक काटो ये निर्दय मानव, सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मैं हूँ तो हरियाली सारी, नहीं तो धरती बंजर हो जाएगी। तो वृक्ष जमीन को बंजर होने से बचाता है, और मनुष्य को चाहिए, इंसान को चाहिए कि आप जंगल की रक्षा करें, अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधा को लगावें और अपने सृष्टि को बचावें। कुछ मिलता है पेड़ पौधा से, हमें फल भी मिलता है। तो मनरेगा के तहत आप लगा रहे हैं वृक्ष, लेकिन आपको क्यों नहीं मिला ब्लॉक के थ्रू पेड़, बताएं? ये तो अभी कोई कहने से मैं असमर्थ है। सिर्फ हमें खाद मिला है 20 पैकेट, उसी खाद को आज थोड़ा सा उपयोग करके पेड़ लगा रहे हैं, और न हमें एक रुपया जो मजदूरी का भुगतान है उसका भी एक रुपया भुगतान नहीं हुआ है। रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं, उनका हड़ताल जल्द से जल्द तोड़ने हेतु मुख्यमंत्री पहल करें, क्योंकि रोजगार सेवक हड़ताल जाने से उनकी परेशानी नहीं है, परेशानी मजदूरों की है। जहां भी नरेगा के अधीन सब काम हो रहा है, सारा काम स्थगित है, और मजदूर के क्या जीवन में भुखमरी के कगार पर आ गए हैं मजदूर, उनकी आर्थिक स्थिति अति दयनीय हो गई है।